श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, राज्य मंत्री संजय जी, सचिव अजय साहनी और देश भर के विभिन्न कोनों से डिजिटल सेवा का सुख प्राप्त करने वाले हमारे सारे भारतीय मित्रों, 6 साल डिजिटल इंडिया के पूरे हो गए। प्रधानमंत्री की एक सोच थी, डिजिटल इंडिया का मतलब है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदुस्तानियों का जीवन सरल बनाना, सुलभ बनाना और डिजिटल माध्यम से उनको सेवाएं प्राप्त। आज 6 साल बाद क्या स्थिति है, हमने गरीबों के अकाउंट खोले, सीधा सारे वेलफेयर के पैसे उनको भेजना शुरू किए, 16,88,000 करोड़ भेजा गरीबों के बैंक अकाउंट में, 1,80,000 करोड़ बचाया, बिचौलिया खत्म हो गए। ये है डिजिटल इंडिया। आज टेलीमेडिसिन, आज दीक्षा, आज डिजिटल पेमेंट, आज स्वनिधि, आज ई बुनाई, आज डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से हमारे लोग अपनी फसल और बाकी चीजें बेच रहे हैं। और वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत कोई कहीं भी काम करता हो वो राशन कार्ड कहीं से भी ले सकता है। प्रधानमंत्री जी, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जहां इस सस्ता इंटरनेट, 78 करोड़ स्मार्टफोन इत्यादि का बहुत उपयोग हुआ है, वहीं कॉमन सर्विस सेंटर ने बहुत बड़ा काम किया है। आपका निर्देश था कि डिजिटल इंडिया को जन आंदोलन बनाओ और इसको बनाने में लगभग 70-80 हजार से आज पौने 4 लाख CSC भारत के विभिन्न कोनों में है। और मुझे आपको बताते हुए प्रधानमंत्री जी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के सभी 3,75,000 CSC में बैठे हमारे बच्चे बच्चियां आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, मैंने उनसे कोरोना में लॉकडाउन में कहा था कि आप लोग ई ग्रामीण स्टोर खोलो, आज देश में 1,72,000 ई ग्रामीण स्टोर खुल गए इनके द्वारा और उन्होंने 295 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। तो आज अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जाए, जनता को विश्वास में लिया जाए, इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से टेलीमेडिसिन हो या डिजिटल माध्यम से टीका लगाने का कार्यक्रम हो या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो या आरोग्य सेतु हो, इन सबों ने डिजिटल ऊंचाई को नई बुलंदी तक पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री जी आप सबों से चर्चा करेंगे, हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, अन्य सभी माध्यमों से देश को आगे बढ़ाना। और प्रधानमंत्री जी, आज देश में 50,000 स्टार्टअप हो गए जो भारतीय नौजवान नए नए सपने देख रहे हैं। और यहाँ BPO की एक बेटी से भी आप बात करेंगे, भारत के दूर आज छोटे छोटे स्तर पर जो BPO खुले हैं वो एक नया आंदोलन बन रहे हैं। तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे आपके आशीर्वाद से। और डिजिटल इंडिया जो दुनिया का एक कार्यक्रम बना है, आज हमारे IT विभाग ने, चाहे वो आधार हो, चाहे वो MyGov हो, चाहे वो मेघराज हो, चाहे वो उमंग हो, ऐसे दर्जनों कार्यक्रम कर करके दुनिया में भारत की डिजिटल व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई दी है। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है प्रधानमंत्री जी। हम आज पुनः आपके सामने ये संकल्प करते हैं कि 6 साल में हमने इतनी जो ऊंचाई प्राप्त की है, आने वाले समय में देश के घर घर में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हम ला रहे हैं भारत नेट में, गांव गांव तक, और नया एक संकल्प आए, विश्वास आए, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो या कोचिंग हो या दीक्षा हो या स्कॉलरशिप हो या एम्पावरमेंट हो या बुनाई हो या कढ़ाई हो, ये सब एक साथ डिजिटल सेवाएं भारत को और मजबूत करेंगी, ये हमारा संकल्प है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने आशीर्वाद हमें जो दिया है 6 साल में, और जो सारे हमारे देश भर से डिजिटल के लाभार्थी जुटे हुए हैं, आपको मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। संकल्प रखिए, भारत को हम और मजबूत करेंगे। धन्यवाद, बहुत प्रणाम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, डिजिटल इंडिया को नेतृत्व देने और उसकी उपलब्धियों के बारे में सबको बताने के लिए। आपने सही कहा सर कि डिजिटल इंडिया एक मास मूवमेंट बन चुका है और डिजिटल इंक्लूजन को सुनिश्चित करते हुए ये हमें आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना संजोया था वह अब तेजी से साकार हो रहा है। अब हम एक लघु वीडियो के माध्यम से डिजिटल इंडिया की यात्रा प्रस्तुत करेंगे। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare tolerates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से हुई शुरुआत और डिजिटल हो गया इंडिया मेरा, गई निराशा हुआ सभी। नव भारत निर्माण के प्रमाण का नया हौसला, नया सवेरा। कोरोना संकट जब आया पूरा संसार बड़ा घबराया, डिजिटल इंडिया की स्कीमें संग रही और साथ निभाया। ई नाम पे बेचे किसान फसल, हुई दलाली की मुश्किल हल, नहीं बिचौलिया बीच में आया, बिना कटौती पैसा पाया। गांव में बढ़ता रोजगार, रहा नहीं कोई लाचार, क्यों ढूंढे अब शहर में अवसर, क्यों छोड़े अब गांव और घर। भरे सिलेंडर बटन दबाकर और खातों में सब्सिडी पाकर, हर घर में गृहिणी मुस्कुराई और चिंता से मुक्ति पाई। गांव के खाली मजदूरों को मिलता मनरेगा से काम, मजदूरी मिलती है उनके जनधन खातों के ही नाम। रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल इंडिया का उपहार, प्रधानमंत्री स्वनिधि ने जब दुख से उनको लिया उबार। आधार ने दी सबको पहचान, जन सेवाएं ही आसान, बिछड़ों को अपनों से मिलाया, डीबीटी से धन पहुंचाया, इच्छा शक्ति देश की जीती, हार रही कोरोना की चार, जनधन आधार और मोबाइल बनी सुरक्षा की जब ढाल। ऐसे वक्त में डिजिटल इंडिया रहा देश में सबके साथ। चूल्हे जले मुफ्त राशन से, मजबूरों का थामा हाथ, स्कूल बंद तो ऑनलाइन पढ़ाई, वक्त पे स्कॉलरशिप पहुंचाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी, लॉकडाउन में भी रहे टेंशन फ्री। कोरोना से की रोकथाम, आरोग्य सेतु ऐप आई काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन आया, बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया, सबको वैक्सीन, बिना जुगाड़ बिना हड़बड़ी और भीड़ भाड़, कायम कर दी नई मिसाल, नहीं रुकेंगे किसी भी हाल। ई मैन्युफैक्चरिंग जीवन प्रमाण, ई संजीवनी पीएम किसान, बीपीओ और जन सेवाएं बिना लाइन ऑनलाइन पाए, सब सरकारी स्कीमों की एप्स को देकर एक स्थान, जन सुविधाओं को उमंग ने कर डाला बिल्कुल आसान। दस्तावेजों को सहेजना ये है डिजी लॉकर का काम, साथ में कागज पत्थर ढोने से मिल जाता है आराम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे टेंडर से मिलते ऑर्डर, छोटे व्यापारी को भी मिलती पारदर्शिता संग डगर। जीएसटीए ने सरल करे वस्तु सेवा कर भरना, व्यापारी ने छोड़ दिया अब अनुपालन से डरना। टोल्स के ट्रैफिक से देकर फास्ट टैग ने आजादी, इमरजेंसी में राहत दी, रोकी वक्त की बर्बादी। डीजी बुनाई पाकर बुनकर सहेज लेते डीजी धरोहर, जल्दी होते उनके काम, मिलते कला को नए आयाम। भेदभाव के बिना पाटती हर एक पुरानी खाई को, पीएमजी दिशा अपने अजियारों से धोती हर काली परछाई को। इस माटी की गौरव गाथा डिजिटल इंडिया भी गाए,
हर वंचित तक अपने लाभों को पहुंचाती ही जाए। हर चेहरा मुस्कान भरा हो, हमने देखा है सपना, नहीं है रुकना, बढ़ते जाना, यही इरादा है अपना। छह साल पहले शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन आज करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। आज लोग हर छोटा बड़ा काम खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, सही मायनों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने की अनुमति दें। सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत बने दीक्षा प्लेटफॉर्म के लाभार्थी शिक्षिका प्रीतिमा सिंह जी एवं कक्षा 5 की छात्रा कुमारी सुहानी साहू के अनुभवों को जानते हैं। ये हमारे साथ बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सुहानी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सुहानी, ये बताइए कि दीक्षा प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा और उसका क्या फायदा हुआ? दीक्षा प्रोग्राम के बारे में हमें व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है जिसे हम खोलकर उससे हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब हमारा हल उत्तर 10x10 आता है तो वो हम मैम को दिखाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो सुहानी आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा सुहानी, ये बताइए कि स्कूल की याद तो आ रही होगी? यस सर। हैं? तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है, इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियां और वीडियोस भी रहती हैं। लेकिन पहले से मोबाइल था या ये कोरोना के कारण लेना पड़ा, क्या हुआ? पहले तो दीपावली में ही हमारे लोग का मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दीदी को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो दीदी ने पापा से कहा कि पापा हमें एक मोबाइल ले दीजिए, पापा ने ला दिया मोबाइल। तो तुम्हें मोबाइल मिल गया उसकी खुशी है कि दीक्षा पोर्टल पर पढ़ने को मिल रहा है इसकी खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पर पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा। अच्छा वीडियो गेम खेलती हो? ऐसा वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ अच्छा प्रतिमा जी, आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है, हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पैंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोज को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट्स को, और जो कंटेंट्स हैं वो कई वैरायटी के हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पे QR कोड प्रति पाठ लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है उसने लिंक यूज़ किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी क्या? हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है।
जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासपोर्ट बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले एक सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं। और उस पर एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है, ये अभी नया ऐड हुआ है। और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पर स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पर, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है और हम अपना जैसे ही कंप्लेन दर्ज करते हैं दीक्षा से, वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, फिर वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बुरगढ़ है। मैं सातेफल गांव तालुका बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन में दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से अगर लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई उस टाइम भी, और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने, जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है। और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया, तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया, तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा
ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा, इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आया। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके, किसान हो या व्यापारी। इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ई संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है सर। इसके लाभार्थी श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ श्रीमती कांति देवी जी और उनके डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे। श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ ईस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है। और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माता जी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपको बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हुए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने किस योजना का सबसे ज्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर ई संजीवनी। अच्छा जी सर, शुभम जी जी, ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी, आप इतने दूर छोटे से गांव में रहते हैं जी, तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे? सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं, और आप दादी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो भी लखनऊ में है और लखनऊ में हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के काल में आप सभी डॉक्टर्स ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है।
भूपेंद्र जी बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव है उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं क्योंकि ये एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर हमें भी बहुत इस बात की खुशी है। डेढ़ दो साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहाँ से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और इस संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर, जो दूसरे प्रदेश में भी रहते थे, सुबह जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर इस संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद उतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन ई संजीवनी शायद मुझे लगता है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। इस संजीवनी में सर दो तीन बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इस संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड्स अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है, तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड कर देता है, तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही, मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं, तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयाँ होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही है, दवा बंद हो गया, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था तो टेली मेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सकता, लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है। मैं शुभम जी को तो अपनी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख करके, और भूपेंद्र जी आप भी इतने मन से दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने दूर से कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो ई संजीवनी है ये अपने आप में एक वरदान साबित हुई है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही है। अनुपा जी नमस्ते। हर हर महादेव। अच्छा मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं, ये आप कैसे कर रही हैं इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है, मैं बनारस में बाबतपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साई इंस्टीट्यूट से ली गई जो कि बस्ती में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं। यस सर। और आपके साथ जो दूसरी बहनें जुड़ी होंगी
बहुत डिजाइन हो रहा होगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। हाँ सर, ये पहले हम लोग क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिजाइन करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हम लोग को काट करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज करते हैं डिजाइन बना के, फिर इसका हम सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं, कपड़े पर डिजाइन बना के हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं सर। ये जड़ी की डिजाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है सर? 6 से 7 हजार रुपए हो जाते हैं। तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और इस टेक्नोलॉजी को अपनाए, आपको संतोष है? हाँ सर, बहुत सर। मैंने काफी डिजाइन बनाई है सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा। और सर मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बनाए सर? पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डिजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो जिसको डिजाइन करने के लिए सब एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सर सेलिंग भी करते हैं। अच्छा, यस सर। चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती है, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है। आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा। और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब बारी है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, जिसके अंतर्गत पात्रता के आधार पर देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के लाभार्थी श्री हरिराम जी देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा हूँ और अपना यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। आप मूल कहाँ से हैं हरिराम? सर मेरा राशन कार्ड यूपी हरदोई से बना है और मैं वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी मिल रहा है और इससे हमें काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ तो यहाँ पर टैक्सी का भी मैं भीम के थ्रू पेमेंट लेता हूँ, तो इसमें भी मुझे कोरोना काल में काफ़ी अच्छा मतलब लाभ हुआ है। इसमें फिजिकल टचिंग नोट वगैरह ये सब इससे भी मिला है। फास्ट टैग से भी हमें बहुत समय की बचत होती है हमारी और हमारी सवारी को भी सहूलियत होती है कि हमें समय कम लगता है टोल पर। इसके लिए मैं डिजिटल इंडिया भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिराम जी, आप तो स्वयं भी वन नेशन वन राशन कार्ड का बराबर इस्तेमाल किया, कहाँ हरदोई और कहाँ देहरादून, और आप टैक्सी चलाते हैं लेकिन इस व्यवस्था का आपने फायदा उठाया और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप नहीं आई थी तब तो आपको परेशानी रहती होगी। जी सर, बिल्कुल शुरू में हुई थी, बाद में यहाँ से हमने संपर्क किया, यहाँ के जो लोकल अधिकारी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, फिर उन्होंने हमें नाम दिया कि इनसे आप राशन लीजिए, आपको बड़ी आसानी से राशन मिल जाएगा। मुझे मिल गया सर, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमको। और ये भीम ऐप का उपयोग करते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं कस्टमर होते हैं उनको सुविधाजनक रहता है? वो तो सर फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने बोला था, शुरुआत किया था उसी दिन मैंने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा जी सर। सर हरिराम जी, आप तो बिल्कुल टेक्नो से भी हैं और वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके साथ साथ भीम ऐप, और पहले दिन से आप भीम ऐप का उपयोग करके इस काम को कर रहे हैं। आप सचमुच में टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं ये ध्यान में आ रहा है। और आप जैसे देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए ये योजना
वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत बड़ी सुविधा बन रहा है। अब ये संभव हो पाया है कि एक ही राशन कार्ड से शहर में काम कर रहे श्रमिक भी राशन ले पा रहे हैं और उसी कोटे में से गांव में बाकी का परिवार भी राशन ले पा रहा है, और यही तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण ई स्टोर सेवा की तरफ, जिसके जरिए गांव के लोग अपनी जरूरत के कई तरह के सामान अपने